12 नवंबर को पूरी इंडिया जहां दिवाली का जश्न मना रहा था, वही इंडिया की उत्तराखंड स्टेट में उत्तरकाशी सिटी के पास 4.5 किलोमीटर सिलकायरा टनल बन रहा था, जिसके अंदर 41 वर्कर्स का एक ग्रुप काम खत्म करके 12 नवंबर को वापस आने का टाइम सुबह को एंट्रेंस के 60 मीटर कोलैप्स हो गए, जिसके वजह से 41 वर्कर्स अंदर फंस गए। मगर कोलैप्स होने के वजह से कोई भी गंभीर रूप से घायल या मारा नहीं गए। दास टीवी की एक और नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जमुनोत्री एक्सप्रेस वे की ये टनल सिलकायरा से होते हुए 4.5 किलोमीटर बारकोट स्थान तक दोनों साइड से खुदाई का काम चल रहा था, जिसके 90% काम हो चुके थे। सिर्फ 500 मीटर बाकी रह गया था। 12 नवंबर दिवाली का सुबह जब नाइट शिफ्ट खत्म करके 41 वर्कर्स वापस आ रहे थे, एंट्रेंस कोलैप्स होने की वजह से सारे अंदर फंस गए। जब सिलकायरा वाले साइड से रेस्क्यू का एक टीम बड़े जेसीबी से खुदाई करके मलबे को हटाने लगे, तो ऊपर से और मलबा आने लगा, क्योंकि ऊपर पूरी पहाड़ और चट्टाने मौजूद थे। अंदर फंसे वर्कर को बाहर क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं था। टाइम बहुत बीत चुके थे। अंदर फंसे वर्कर को टनल एंट्रेंस के 6 इंच का एक पाइप 60 मीटर चौड़ी मलबे को पार करके वर्कर तक पहुंचाया गया, के अंदर से फूड वाटर और ऑक्सीजन पहुंचा सके। जब कैमरा भेजकर अंदर देखा गया तब मंजर कुछ ठीक है। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाए, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराए, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ, वो कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाए। हम लोग तो देखेंगे आगे 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 सर, आगे कीजिए आपके के जी केबिल को सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चलना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। विशाल ये कौन है? ये सुखजीत इसके बगल वाला। I think अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें। उसके साथ साथ बाहर बहुत सारे डॉक्टर मौजूद था, ताकि अंदर किसी को अगर तबीयत खराब हो जाए इलाज के लिए मेडिसिन भेजा जा सके। ऐसे करते करते 12 दिन बीत चुके थे। उसके बाद औजार मशीन से जब टनल के अंदर ड्रिल करना चालू किया गया, 47 मीटर ड्रिल कर चुके थे, सिर्फ 13 मीटर बाकी रह गया था। तभी एक बड़ा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा। औजार मशीन यूएस का था, जो नॉर्मली बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी को खुदाई किया जाता है। मगर जब औजार मशीन टनल के अंदर खुदाई कर रहा था, मशीन की ब्लेड अंदर पड़ा लोहे का रॉड से अटक गए, जिसकी वजह से खुदाई का काम फिर से रुक गया। एक्सपर्ट की जब टीम बुलाई गई, तब इन औजार मशीन की प्लेट को गैस कटर से कट के बाहर निकाला गया। इसके बाद बचे हुए 13 मीटर मलबे को बाहर निकालने के लिए रेड्स माइनर्स के एक टीम को काम दिए गए। रेड माइनिंग का काम होता है छोटे छोटे औजार से वर्कर्स के द्वारा मिट्टी को बाहर निकालना। आखिर कई दिनों की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गए जब अंदर फंसे 41 वर्कर्स के पास 12 वर्कर्स के एक टीम रेड माइनिंग करके अंदर तक पहुंच गए, और उसके 17 दिन बाद 28 नवंबर को एक एक करके वर्कर को सेफली बाहर निकाला गया। सबको गले में माला पहनकर स्वागत किए गए। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।